हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास सेवन का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, स्पेशली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पढ़ेंगे, है ना। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन सबको समझ में आता ना। ट्रॉपिकल रीजन जो है 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ और उससे 5 डिग्री ऊपर और इधर से 5 डिग्री नीचे, वो वाला पोर्शन जो है वो सब ट्रॉपिकल है ना। तो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में हम लोग को ह्यूमन एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन पढ़ना है। तो रेणुका का एक स्टोरी है। रेणुका जो है मतलब देख रही थी कि काफी डाइवर्सिटी है, अमेरिका में लोग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं, इंडिया में अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं, अलग ही वहाँ कल्चर है, यहाँ अलग कल्चर है ना। मतलब लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे जी रहे हैं। इंडिया में भी, वेस्टर्न इंडिया में अलग तरीके से लोग जी रहे हैं यहाँ। आखिर ऐसा क्यों है ना, और अलग अलग क्लाइमेट भी क्यों है लोकेशन वाइज। तो ये स्टोरी का मतलब इनको टेंशन आ रहा था कि ह्यूमन एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है अलग अलग जगह पे, और कल्चर भी डिफरेंट है, तो फिर इंटरेक्शंस कैसे हो रहा है ना। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अमेजन बेसिन पे क्या लाइफ है, क्लाइमेट, रेन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट के एरिया में लोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पढ़ेंगे और गियोफैक्स पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का सोल्यूशन पढ़ेंगे। अमेजन बेसिन समझ में आ रहा। अमेजन बेसिन आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ही आएगा। ट्रॉपिकल एरिया में अमेजन बेसिन आएगा और गंगा ब्रह्मपुत्र सब ट्रॉपिकल में आएगा। लोकेशन समझ में आ रहा अमेजन बेसिन का। नेक्स्ट अमेजन बेसिन कहाँ पे है, देखिए ये वाला जो एरिया है लाल वाला, ये एक ट्रॉपिकल एरिया है, यही पे है ना अमेजन बेसिन, ये ट्रॉपिकल रीजन में आएगा। अब देखिए ये इंडिया है, ये पीला वाले एरिया में ही गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आएगा, यूपी बिहार वाले एरिया में, तो ये आपका सब ट्रॉपिकल एरिया में आएगा। तो ये दोनों हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट यही एक डाइवर्सिटी जो दिख रहा था ना रेणुका को, अलग अलग लोकेशन पे लोग अलग अलग कल्चर है, कोई अलग तरह का कपड़ा पहना है, अलग तरह का सोच है ना। ह्यूमन एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन, तो अमेजन बेसिन वो अमेजन ऐप वाला नहीं है, है ना। अमेजन बेसिन बोले तो अमेजन नदी का है ना। सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है अमेजन है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है। तो जो रिवर अमेजन जो है वो इक्वेटोरियल रीजन से फ्लो करती है, कहने का मतलब कि ये माउंटेन से निकलती है और वेस्ट की तरफ जाती है और अटलांटिक ओशन को जाती है ईस्ट में। देखिए ये वाला एरिया जो है ये माउंटेन है, कौन सा माउंटेन रेंज बताइए, एंडीज। तो एंडीज माउंटेन से सारा रिवर्स निकलती है, नीचे कम होता है ऊपर ज्यादा रिवर्स निकलती है। तो ये पूरा अमेजन बेसिन है ये हरा वाला, तो ये माउंटेन से निकलती है, यही लिखा हुआ है क्लोज टू इक्वेटोरियल रीजन। देखिए इक्वेटर है यहाँ पे 0 डिग्री से, यही इसके ट्रॉपिकल एरिया में ये है। तो ये इक्वेटोरियल रीजन से निकलती है, माउंटेन से निकलती है, वेस्ट की तरफ जाती है, वेस्ट की तरफ जा रही है और ईस्ट में इधर इधर क्या है इसका अटलांटिक ओशन है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन को जाती है, ठीक है। तो रिवर का मुंह जो है ईस्ट में है, मतलब इधर की ओर, ठीक है। तो नुमरस ट्रिब्यूटरी जो है अमेजन रिवर को, इधर से देखिए इधर लाइनिंग लाइनिंग बहुत सारा दिखा, सर उसका ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी, मतलब उसके आसपास की नदी जो उसको ज्वाइन कर दी है ना। तो रिवर बेसिन जो है, जो ड्रेस पोर्शन है कहाँ कहाँ है, ब्राजील, उसके बाद पेरू, ये वाला एरिया है पेरू, ब्राजील, उसके बाद बोलिविया है ना, इक्वाडोर, कोलंबिया और छोटा छोटा वेनेजुएला, ये सब पोर्शन है। वेनेजुएला है, कोलंबिया है, फिर इक्वाडोर है, ब्राजील है, पेरू है ना, बोलिविया है। तो ये सब, ये जो लोकेशन है, ये जो लिखा हुआ है, ये सब इसमें आपको दिखा हुआ है। नेक्स्ट, तो अमेजन बेसिन में क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट होगा और वेट होगा। हॉट तो समझ में आ रहा है कि अमेजन बेसिन में ये इक्वेटर से पास करता है, तो सनरेज काफी वर्टिकल आएगा तो हॉट होगा। ह्यूमिड क्यों होगा, ह्यूमिड बोले तो मॉइस्चर से भरा क्यों होगा, तो ड्राई होना चाहिए क्योंकि वहाँ पूरा सनलाइट है दबा के, बारिश भी बहुत ज्यादा है। हाँ, तो बारिश ज्यादा है, इसलिए बारिश ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके आजू बाजू पूरा समुद्र ही समुद्र है, पानी ही पानी है। ये जो अमेजन बेसिन है जो भी, तो इसके आजू बाजू क्या है, जो भी इक्वेटोरियल रीजन के आसपास वाला एरिया है, इसके आजू बाजू क्या है, समुद्र है। तो समुद्र है चाहे ओशन है ना, तो उसमें क्या हो रहा, वो जब गर्म होगा तो खाली लैंड थोड़ी गर्म होगा, जमीन पानी भी गर्म होगा, तो गर्म पानी से नहाएगा थोड़ी आदमी, वहां का पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा, कंडेंस होगा, क्लाउड्स बनाएगा, बारिश होगा, समझ में आ रहा बात। तो इसीलिए वहां के आजू बाजू वाले एरिया में वो
जो समुद्र है वो भी गर्म होता है, तो वो गर्म होके फिर इवेपोरेट होके कंडेंसेशन होके क्लाउड्स बना के फिर बारिश करता है। इसीलिए वहां पर क्लाइमेट जो हॉट क्यों होगा, वो सनलाइट है एकदम वर्टिकल, और वेट क्यों होगा समझ में आ गया, और वेट होगा बारिश अच्छा होगा, एवरग्रीन भी होगा है ना, डेंसिटी अच्छा रहेगा प्लांट्स का, तो डे और नाइट हमेशा इक्वल रहेगा, लेकिन हॉट रहेगा ह्यूमिड रहेगा। इक्वल क्यों रहेगा, आप शायद पढ़े होंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ पे 23.5 पे, 0 से 23.5 में ऑलमोस्ट इक्वल रहता है ना, पढ़े थे ना रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से, तो ये हमेशा हमेशा रेनफॉल होता है, ये भी समझ में आ गया, समुद्र की वजह से ओशन की वजह से। डे टेम्परेचर हाई होगा ह्यूमिडिटी हाई होगा, लेकिन नाइट में टेम्परेचर डाउन होगा लेकिन ह्यूमिडिटी हाई रहेगा, क्यों, क्योंकि नाइट में भी बारिश का लगभग वही सिस्टम है, लेकिन नाइट में सनरेज नहीं आ रहा तो टेम्परेचर तो डाउन होगा है ना, लेकिन जो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है वो थोड़ी अचानक से नाइट में कम जाएगा है ना। नेक्स्ट अब है रेन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में रेन फॉरेस्ट जो होता है हेवी रेनफॉल होने की वजह से थिक फॉरेस्ट होता है, डेंस होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, बढ़े हैं आप लोग, क्योंकि वहां डेंस रूप होगा तो इसकी वजह से सनलाइट जो है ग्राउंड तक आ भी नहीं पाएगा, उसके कैनोपी में ही सब चला जाएगा है ना, तो सनलाइट जो है ग्राउंड तक पहुंच भी नहीं पाता है, इतना डेंस होता है ना, तो सिर्फ शेड टॉलरेंट वेजिटेशन ही यहाँ पे ग्रो कर पाएगा, क्योंकि उस सनलाइट तो उसको नीचे तक नहीं जा पा रहा, तो जो छाया बर्दाश्त कर लेता है वैसे ही वेजिटेशन यहाँ पे ग्रो करेगा, क्योंकि उसके उसके जड़ तक तो नहीं पहुंच पा रहा ना, तो जैसे आपका ऑर्किड्स है, ग्रोमेलियाड्स है, ये प्लांट पैरासाइट की तरह ग्रो करता है, आजू बाजू को सबको खा जाता है, ऑर्किड्स हो गया बगीचा, ग्रोमेलियाड्स बोले तो ऐसा गार्डन होता है जिसमें लंबे लंबे और पतले पतले पत्ते होते हैं, ठीक है ना, जैसे बर्ड्स है, टॉकन्स, हमिंग बर्ड सबसे छोटा बर्ड होता है, और पैराडाइज ये सब बर्ड जो है यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स में मंकी, स्लॉथ, एंट ईटिंग टेपर्स आर फाउंड हियर। स्लॉथ किसको बोलते हैं, फिर क्रोकोडाइल्स, रेप्टाइल्स में देखिए क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स पाए जाते हैं, एनाकोंडा और बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर भी इसमें कुछ कुछ पाए जाते हैं, ठीक है, सब जो भी एनिमल्स पाए जा रहे हैं सबका कुछ ना कुछ उनके हैबिटेट की वजह से और वहां के एनवायरमेंट की वजह से रिलेशन है ना, जो ज्यादा हीट और ह्यूमिडिटी बर्दाश्त कर पाएंगे वही लोग पाए जाएंगे है ना। सर्वर स्पेसिफिक जैसे फिशेज में भी आपका फ्लेश ईटिंग पिराना, पिराना मूवी देखे है, हॉलीवुड मूवी नहीं देखते, अच्छा देखिएगा कभी, पिराना मूवी जो है उसमें जो है ऐसा फिश है जो आदमी खाता है, पूरे आदमी को ही खा जाता है, तो पिराना फिश जो है वहां यहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो ये है आपका ऑर्किड्स बगीचा, ये ब्रोमिलियाड्स है जिन जो पत्ते बड़े बड़े होते हैं है ना, फिर पैराडाइज है, ये टेपिस है, दिख रहा है, ये स्लॉथ मतलब लंगूर जैसा ही रहता है छोटा सा, और टॉकन्स, ठीक है, फिर आपका देखिए ये पिराना, ये आर्मी खाता है वो भी देखिएगा तो ज्यादा समझ में आ रहा है, फिर आपका ये मंकी है, ये जगुआर है सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, चीटा से भी ज्यादा तेज होता है, और ये कैपिबारा है, ये सब एरिया यहाँ पे पाए जाएंगे, और ये सब एनिमल्स इस एरिया में पाए जाएंगे है ना। तो अब है रेन फॉरेस्ट का लोग कैसे रहते हैं, तो वहां पे क्लाइमेट कैसा होगा, वेजिटेशन कैसा होगा, वाइल्ड लाइफ कल्चर पीपुल कैसे होंगे है ना, तो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या होगा यहाँ का बताइए, ये जो तो स्लाइड पे लाइए, पीछे चला गया थोड़ा, तो वहां का सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या होगा, ऑक्यूपेशन क्या होगा, तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो आप पढ़े हैं वहां पे रेन फॉरेस्ट होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, डेंसिटी अच्छा होगा, तो वहां पे हम जो फॉरेस्ट को क्लियर करके पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, टैपियोका, कैश क्रॉप्स लगा सकते हैं है ना, हंटिंग कर सकते हैं, मेनली जो है वोमेन लोग वहां हंटिंग करती है ना, तो जो स्टेपल फूड है वो मैनियोक है, जैसे कसावा है जो मतलब अंडरग्राउंड ग्रो करता है, जैसे कि पोटैटो, कसावा, मैनियोक, देखे होंगे शायद आप, कंदा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, आप लोग क्या बोलते हैं मालूम, इसका सब्जी बनता है, ये जो है क्वीन एंट्स और एक सैक्स भी खाते हैं, ये देखिए ये कैश क्रॉप्स, कॉफी, मेज, कोकोवा, कोकोवा तो जानते होंगे जो कोकेन से निकलता है, वो कोकोवा नहीं जो उससे निकलता है, क्या बोलते हैं
आपको याद रखना है कौन कौन क्रॉप ग्रो होता है और क्यों होता है, आप समझ पा रहे हैं। जिसको हॉट एंड क्लाइमेट एडेप्ट कर पाए वही होगा, है ना। यहाँ के लोग कैसे हाउस में रहेंगे, यहाँ के लोग थैचड हाउस में रहते हैं, इस तरह से बिहीव द हाउस में, मैलोका हाउस बोलते हैं जिसको, है ना। मतलब बारिश ज्यादा होता है इसलिए स्लो भी बनाएंगे, बारिश निकल जाना। उसके बाद जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है इसलिए वो टेम्परेचर बर्दाश्त करने के लिए थोड़ा सा थैचिंग टाइप बना हुआ है ताकि ये टेम्परेचर एडजस्ट कर ले, अंदर कूल रहे, है ना। तो ये जो है लार्ज अपार्टमेंट जैसा था मैलोका जो है स्टीप स्लैंटिंग रूम बनता है ना। तो अमेजन लाइफ में क्या क्या चेंजेज आया, एक तो ट्रांस अमेजन हाईवे बना है, उसके बाद जो है इंडिजिनस पॉपुलेशन वहां के लोग जो है वहां से बाहर निकल के नए नए एरिया में सेटल कर गए हैं, फॉरेस्ट से बाहर निकल गए हैं। क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट में मतलब लाइफ नहीं है, उनके उनके लाइवलीहुड के जैसा लाइफ नहीं है ना। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता ना। डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रहा है वहां पर, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो रहा है बायोस्फीयर डाइवर्सिटी फॉरेस्ट। अब ज्यादा लोग रहेंगे तो आप फॉरेस्ट को भी डिस्टर्ब करिएगा जो गवर्नमेंट बैन करेगी, इसलिए आप वहां से बाहर जाएंगे तो बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए डेवलपमेंट एक्टिविटी भी वहां चल रहा है, डैम बन रहा है, बैराज बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, तो उससे भी फॉरेस्ट डिस्टर्ब हो रहा है। तो फॉरेस्ट डिस्टर्ब हो रहा है तो वहां के लोग भी इफेक्ट तो होगा ना, इसलिए वहां के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जबरदस्ती गवर्नमेंट बाहर भगा रही है ना। तो ट्रॉपिकल एरिया हम लोग समझ गए, अब आते हैं हम लोग सब ट्रॉपिकल एरिया में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, है ना। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है, जितना भी कोसी गंडक और गोमती जो भी है, घघरा सोन चंबल ये सब जो है उसका क्या है ट्रिब्यूटरी है। तो ये सब जो है ट्रिब्यूटरी है, उसके बाद जो है ये जितना भी ट्रिब्यूटरी है और ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है, ये सब कहाँ जाके करती है, बिहार बंगाल में, है ना। कौन सा फ्लोइंग रिवर है ये, हाँ ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी क्या है, लोहित गंडक, गंडक गंगा का है, लोहित है, दिहांग दिबांग है, वो तो ब्रह्मपुत्र का भी ट्रिब्यूटरी इसमें आकर के फ्लो करता है, जो हरे कलर से हल्का हल्का दिख रहा है। ज्योग्राफी में जैसे आपका प्लेन्स माउंटेन रॉक्स वो लेक और मानसून क्लाइमेट बनता है, क्यों, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जब यहाँ से जाता है, है ना, तो ये साउथ वेस्ट मानसून इसी को स्ट्राइक करता है, है ना। यहाँ पे वो माउंटेन वाला मानसून नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि माउंटेन तो इस एरिया में है, इस एरिया में है नहीं, तो जो माउंटेन की वजह से बैरियर की वजह से जो मानसून आता है वो मानसून नहीं बनता है, है ना। मानसून जो विंड की वजह से जो मानसून आता है वो मानसून क्लाइमेट होता है, है ना। विंड का ऐसे गया और फिर रिट्रीटिंग मानसून वापस आया, तो वो इस एरिया में होता है, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन्स भी होता है, देखिए इसके ऊपर माउंटेन्स है हिमालय, वहाँ प्लेन रिवर्स है। आपको पता है ऑलरेडी पहले ज्योग्राफी में पढ़े हैं कि ये एरिया प्लेन्स है, क्योंकि माउंटेन से चीन निकलने के बाद प्लेन आता है, है ना, बाद में फिर नदी और समुद्र आता है, है ना। बच्चा माउंटेन समय आदि बच्चा रहता, स्पीड ज्यादा रहता, फिर प्लेन होता, स्पीड थोड़ा नॉर्मल होता और स्लो होता समुद्र में, समुद्र के बाद ओशन में और समुद्र स्लो हो जाता, पढ़े है ना। फिर ऑक्सफोर्ड लेक भी बनाता है यहाँ पर। अब देखिए प्लेन एरिया है, फर्टाइल लैंड है, तो मीएंडर्स बनेगा जहां तहां इधर उधर घूमेगा रिवर्स, तो मीएंडर्स बनेगा, तो जहां तहां मीएंडर्स जो है वो डिपोजिशन से, वैसे पिछले क्लास में आपको बताया था ना, डिपोजिशन की वजह से वो मीएंडर्स जो ऐसे ऐसे बन रहा है वो बीच में डिपोजिशन की वजह से ही छोड़ देगा। तो जो बैल जो होता है ऑक्स का जो वो होता है, मतलब जो उबड़ा हुआ हड्डी निकला रहता है ना उसका पीठ, तो ऐसा ऐसा टाइप हड्डी टाइप जो है ऐसा बन जाता है, मीएंडर्स बन के वो जो छोड़ देते ऊपर चढ़ जाता है, हाँ? ये आपको पढ़े हैं, आपको चैप्टर में पढ़ाए हैं पहले, नेक्स्ट। तो प्लेन्स है तो सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, कैश क्रॉप सुगर केन जूट भी ग्रो कर सकते हो आप, है ना। बनाना और टी प्लांट्स भी ग्रो होता है, क्यों, क्योंकि बनाना और टी प्लांट्स में आपको स्लोपी लैंड चाहिए ताकि पानी आसानी से निकल जाए, सिर्फ ड्रॉप्स वाला पानी उस पर रहे, जितना अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी चाहिए वो उतना मिल जाता है उसको, है ना। तो स्लोपी अमाउंट में बनाना और टी भी मिल जाएगा, बिल्कुल प्लेन रहेगा। तो आपका शुगर केन जो पेरेनियल रिवर है वहां पे पेरेनियल रिवर है, हमेशा पानी रहता है गंगा ब्रह्मपुत्र में, है ना। तो पेरेनियल रिवर है तो शुगर केन और जूट भी, जिसको हमेशा पानी की जरूरत है वो भी होगा। उसके बाद जो है पैडी वीट मेज सोरगुम ग्राम मिलेट्स, ये सबको पानी का जरूरत होता है, ये सब जो है यहाँ पे कल्टीवेशन होता है ना। सिल्क भी प्रोड्यूस किया जाता है, सिल्क फॉर्म्स में बिहार और आसाम में,
सिल्क जानते हैं ना, कॉटन सिल्क, सिल्क का साड़ी ये सब जानते होंगे ना, तो सिल्क वर्म का भी कल्टीवेशन होता है बिहार और असम में, जो कि उसके लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली वहाँ पे क्या है, प्लेन लैंड है, फर्टाइल लैंड है और पानी का पानी है ना, और सनलाइट भी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक मिल जाता है, तो सिल्क वर्म भी कल्टीवेशन होता है। अब वेजिटेशन गंगा ब्रह्मपुत्र जो है प्लेन ट्रॉपिकल डेसीडियस ट्री होता है, क्यों डेसीडियस होता है, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल रीजन वाला है, ट्रॉपिकल से ऊपर है, गंगा ब्रह्मपुत्र ट्रॉपिकल से ऊपर है तो टेम्परेट वाले एरिया में आ रहा है, बोलो डेसीडियस ट्रीज यहाँ पे होगा मतलब कि टीक सॉल पीपल जो कि मतलब गर्मी के मौसम में अपने पत्ते छोड़ते हैं जो है ना, ठीक बंबू भी यहाँ पे ग्रो होता है ब्रह्मपुत्र प्लेन में, ब्रह्मपुत्र प्लेन में ठीक बंबू ग्रुप्स क्यों ग्रो होता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र प्लेन में काफी ज्यादा समुद्र और पानी है, मतलब इधर जो ब्रह्मपुत्र है आसाम की तरफ इधर बे बंगाल है, इधर से पानी का अमाउंट उसको ज्यादा मिलता है, तो बंबू का घना जंगल वहां मिल जाता है ना, वहां पे घना जंगल का मतलब कॉमन है। डेल्टा भी यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जानते हैं जो समुद्र और नदी जहाँ मिलता है तो वहां पर जो कम कम कीचड़ होता है उसमें जो है उसका रूट जो है काफी इंटरलॉक रहता है, तो उसका रूट भी हवा में रहता है, उसको पानी जो है सिर्फ नीचे में है, उसका रूट भी ऊपर रहेगा पानी से ऊपर, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट भी ग्रो करता है यहाँ। उसके बाद जो है उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में कॉनिफरस ट्रीज भी ग्रो करता है, ये सब देखे हैं हाइट की वजह से अल्टीट्यूड की वजह से ये सब आएगा है ना। नेक्स्ट यही आपका सिल्क प्रोडक्शन भी हो रहा है, सिल्क वर्म्स यहाँ है मिलता है, पैडी कल्टीवेशन हो रहा है, मैंग्रोव का देखिए इसका रूप जो है इंटरलॉक है, मतलब अपना खुद का रूप है इसके बाजू वाला रूप है, इन दोनों आपस में लॉक हो जाए तो इंटरलॉक जो है बहुत ज्यादा होता है, और ये देखिए पानी से ऊपर है तो समुद्र पानी ऐसे एरिया में ही ग्रो करता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्लड नहीं आएगा, रूट को बाइंड करके रखा है कि पानी को जाने नहीं देगा, बहेगा नहीं इधर उधर है ना। उसके बाद आपको और भी चीज से बचाता है, बताइए मैंग्रोव क्या किससे बचाता है आपने, सुनामी से बचाता है, क्योंकि रूट बहुत ही हेवी लॉक करके रखता है तो निकालने नहीं देता पानी को तेज वेव में है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट अब है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिस पे लाइफ कैसा होता है, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ, तो एलिफेंट्स टाइगर्स बियर मंकी यहाँ पे कॉमन है, एक सिंह वाला गेंडा भी है, वन फ्रॉम रेनोसेरस ब्रह्मपुत्र प्लेन में स्पेशली पाया जाता है, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क है ना आसाम में, हाँ तो ब्रह्मपुत्र है आसाम में, तो वहां पर जो है आपका वन फ्रॉम रेनोसेरस है, बंगाल टाइगर है सुंदरबन में, सुंदरबन डेल्टा है वो सब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिस में ही आएगा, क्रोकोडाइल एलिगेटर ये सब डेल्टा वाले एरिया में आएगा, सुंदरबन नेशनल पार्क है ना। फिर वैरायटी जो फिश पाए जाएंगे रोहू कटला हिंसा देखे होंगे, जब वो कोलकाता वाले एरिया में लोग मछली बहुत खाते हैं, माछ भात है ना, कुछ भी बोलो तो माछ भात आए, वो चिया खाओ है ना, चिया खाओ बोलो तो चाय पियेंगे क्या है ना, और माछ भात बोलो तो मछली और चावल, तो वहाँ के लोग मछली चावल ज्यादा खाते हैं, क्योंकि रोहू कटला हिंसा जितना भी मछली है वो उनका देखिए फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल इन द एरिया, जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है उनको माछ भात बहुत खाते हैं, क्योंकि उनको बहुत कम पैसे में और ज्यादा मात्रा में मिल जाता है ना, रोहू मछली कटला मछली हिलसा मछली ये सब मिल जाता है, क्रोकोडाइल है वन ऑफ द नेचुरल्स है, बताइए क्रोकोडाइल के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है। फिर डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ, डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन क्यों है बेसिन में, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में डेवलप ट्रांसपोर्टेशन इसलिए है क्योंकि वहाँ कौन सा सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, कौन सा अलुवियल सॉइल, अलुवियल सॉइल है, प्लेन एरिया है, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी स्ट्रक्चर बनाना आसान है ना, टूरिज्म भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे रिलीजन भी है, नेचर भी है, नेचुरल ब्यूटी भी है, माउंटेन भी मिल जाता है आपको माउंट एवरेस्ट के आसपास में। उसके बाद जो है आपका दिब्रू साइखोवा वो ये सब जो आसाम में आपका थोड़ा अलग टाइप का कल्चर है तो लोग घूमने के लिए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है ना, और बिहार यूपी में भी बहुत सारा टूरिज्म है, बहुत सारा मंदिर वगैरह है, अयोध्या मंदिर और अभी बहुत कुछ बन गया है ना, बोध गया टेम्पल, तो ये सब जो टूरिज्म के लिए भी अच्छा है, पॉपुलेशन के लिए चैलेंज है क्योंकि यूपी और बिहार में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है ना, तो उसके लिए थोड़ा चैलेंज है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो आप फॉरेस्ट कट करोगे, पॉल्यूशन फैलाओगे तो पॉल्यूशन हो रहा है चैलेंज है ना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे घूमने के लिए आपका देखिए मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे टाइगर फेमस है, मानस आसाम में है, वाराणसी घाट है प्योर प्लेस में, देखिए आपका वाराणसी है,
फिर देवघर है मतलब ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है, फिर देखिए पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, रिलीजियस एक्टिविटी करने की वजह से लोग गंदगी फैला रहे, फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन डेवलप है वहाँ गंगा रिवर पे, है ना। नेक्स्ट अब हमारा है डू यू नो फैक्ट्स। डू यू नो फैक्ट्स कुछ जान लीजिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जब स्पेनिश एक्सप्लोरर जो है अमेजन रिवर को डिस्कवर कर रहे थे तो उनको जो है वहां के लोकल ट्राइब्स लोग जो है हेड गियर्स और ग्रास स्कर्ट्स पहन करके अटैक किए थे, है ना। तो वहां के लोग ग्रास का स्कर्ट्स देखे होंगे, मूवी वूवी में देखे होंगे, ये छोटा छोटा पहन के डांस करते रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही पहन के वो लोग लोकल ट्राइब्स लोग उसको अटैक किए थे। तो ये लोग पीपुल जो है उनको मतलब वोमेन एक्चुअली वोमेन ज्यादा वहां अटैक किए थे देखे होंगे। तो जो ये लोग पीपुल जो है उनको जो है जितने भी फायर स्ट्राइक्स थे वोमेन वॉरियर्स की जैसा, वो एंशिएंट रोमन एम्पायर में अमेजन्स उनका नाम दे दिया था अमेजन इनको, मतलब एंशिएंट रोमन एम्पायर में अमेजन्स बोला जाता था वॉरियर लोग को, योद्धा लोग को, इसलिए वहां नदी का नाम अमेजन बन गया, है ना। वहां पे टेरेसेज बिल्ड किया गया था स्टीप स्लोप पे, फ्लैट सरफेस क्रिएट करने के लिए ताकि क्रॉप्स को ग्रो कर सके, स्लोप को रिमूव कर देंगे तो पानी जो है रैपिडली नहीं निकल पाया। तो क्यों मतलब स्टीप स्लोप क्यों किया गया था, और फिर स्लोप को मतलब क्यों किया गया था, जो टेरेस फार्मिंग जानते हैं, टेरेस फार्मिंग में क्या होता, सीढ़ी नुमा पहले यहाँ ऐसे फिर ऐसे देखे होंगे, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर जैसा बनता है और फार्मिंग होता है, जहां पे हाई एल्टीट्यूड है, माउंटेनस एरिया है, वहां पे क्रॉप्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हाई एल्टीट्यूड में पानी गिरेगा तो पूरा पानी नीचे गिर जाएगा, इसलिए टेरेस फार्मिंग के जैसा स्टीप स्लोप देके एक टेरेस के जैसा सरफेस फ्लैट सरफेस दे दिया जाता ताकि पानी न गिर पाए, है ना, पानी नहीं गिर पाए इसलिए ऐसा टेरेस फार्मिंग किया जाता है। अच्छा ब्रोमेलियार्ड्स आपको बताए थे कि स्पेशल प्लांट्स है जो पानी स्टोर करता है अपने लीव्स में, है ना, एनिमल जैसे फ्रॉग्स है ये पॉकेट्स ऑफ वाटर को यूज करके अपना अंडा देते हैं ब्रोमेलियार्ड्स वाले पौधे पे। आपको बताया कि लंबा लंबा पौधा होता है उसका लीव्स भी लंबा लंबा होता है, ये वाटर स्टोर करता है, वो पौधा का जो लीव्स है वही लीव्स पे फ्रॉग्स जो है अंडा देता है, ठीक है। फ्रेश वाटर जो है रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र का वैरायटी ऑफ डॉल्फिन वहां पाया जाता है जिनको लोकली सुसु बोला जाता है, वो सुसु करने वाला सुसु नहीं, यूरिन वाला नहीं, जिसको ब्लाइंड डॉल्फिन यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो जो सुसु का जो प्रेजेंस है ये इंडिकेशन है रिवर का हेल्थ का, मतलब अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल और अर्बन वेस्ट अगर हाई अमाउंट ऑफ केमिकल डालेंगे तो ये स्पीसीज मर जाएगा, है ना। इसका मतलब कि जितना ज्यादा वहां पे डॉल्फिन मछली जो ब्लाइंड डॉल्फिन है जिसको सुसु नाम दिया गया ये जितना ज्यादा पाया जाएगा उतना इंडिकेटर होगा कि वो फ्रेश वाटर है, है ना। नेक्स्ट यही है आपको अमेजन ट्राइब, वो देखिए वो हेड पे पहने हुए हैं और ये क्या बोलते हैं ग्रास लाइक स्ट्रक्चर पहनते हैं, ये देखिए टेरेस कंडीशन है, स्टेप लाइक ऐसे बनाए हुए हैं ताकि वो पानी जो है वहां पे स्टे ना करके डायरेक्ट निकल जाना, है ना, और मतलब फ्लैट सरफेस दिया गया है ताकि पानी वहां पे कुछ स्टे भी करना, तो मतलब मैक्सिमम पानी निकल जाना लेकिन फ्लैट दिया गया है कि जितना जरूरत है वहां रुकना भी, इस दोनों पर्पस के हिसाब से टेरेस फार्मिंग किया गया। यही है सुसु ब्लाइंड डॉल्फिन, ये ब्लाइंड है, ये ब्रोमेलियार्ड्स है, यहाँ पे मतलब पत्ते में ही पानी रहता है स्टोर और वहां पे मेटा कंडे देते हैं जाकर। नेक्स्ट अब बताइए यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, मतलब सैनिटेशन पे मतलब फोकस करने के लिए और उसके एफर्ट्स को एक्सेलरेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंडिया क्या लॉन्च किया है, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से लॉन्च हुआ है, पता है ना, क्लीनिनेस सैनिटेशन समझ रहे हैं ना, तो मतलब लोग साफ सुथरा रहे, शौचालय सब जो जाए बाहर नहीं जाए, इस तरह का लॉन्च हुआ है। फिर गंगा रिवर को कंजर्व करने के लिए नमामि गंगा प्रोग्राम इनिशिएट हुआ है, ये भी पता आपको। उसके बाद स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक कंटिन्यूएशन एग्रीकल्चर है जिसमें फार्मर जो है लैंड को पूरा क्लियर करके और उसको पहले स्लैश करके और फिर पूरा जला देते हैं और जितने भी ट्रीज और बुशेज है उसको कट कर देते हैं, उसके बाद उसको जलाते हैं, इससे क्या होता है जितना भी न्यूट्रिएंट्स है फिर से सॉइल में चला जाता है ना, न्यूट्रिएंट्स सब जल के फिर से सॉइल में चला जाता है, उसके बाद क्रॉप्स को ग्रो करते हैं क्लियर फील्ड करके कुछ साल छोड़ के, है ना, रिपीटेडली यूज करने की वजह से सॉइल अपना न्यूट्रिएंट्स खो देता है तो सॉइल जो है बर्बाद हो जाता है, अबैंडन हो जाता है, तो ये जो है अनदर मतलब लैंड को क्लियर कर देते हैं, अनदर प्लॉट ऑफ लैंड को प्लांट करने के लिए।
मीन टाइम में यंग ट्री जो ग्रो करता है ट्रॉलिक फील्ड में उसको ग्रो करते रहते हैं, है ना। और इस तरीके से सॉइल का फर्टिलिटी भी बच जाता है और पीपल जो है अपना कल्टीवेशन फिर से कर पाते हैं। तो स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मल्टीपल क्रॉपिंग करिए। सॉइल का फर्टिलिटी को अगर आपको बरकरार रखना है तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए आप कंटिन्यूस वहाँ पे गोभी उपजा रहे हैं तो धीरे धीरे वो पूरा न्यूट्रिएंट उसका मर जाएगा। अब अगली बार क्या कीजिए, इस बार गोभी उपजाए हैं तो अगली बार कुछ और उपजाइए, तो अलग अलग जो क्रॉप्स है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा यूज करेगा। अब मान लीजिए गोभी जो है पोटेशियम को ज्यादा यूज कर लिया, पोटेशियम का शॉर्टेज हो गया, अब ऐसा क्रॉप यूज कीजिए जो पोटेशियम ना यूज करे, तो धीरे धीरे फिर वो रिगेन कर लेगा, है ना। नेक्स्ट ये देखिए स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर दिखा ना, पहले उसको जला दिया जाता है, कट करके पूरा ब्रांचेस को कट करके रख दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। तो जलाने से क्या होता है, जो सॉइल ब्रांचेस में जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्रॉप मतलब सॉइल में चला जाता है, है ना। जो न्यूट्रिएंट्स इसका है वो जल के कहां गिरेगा, धरती पे ही गिरेगा, तो उसके फर्टिलिटी को फिर से बढ़ा देता है, फिर छोड़ दिया जाता है साल भर। तो आपका चैप्टर खत्म हो गया, अब हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लेते हैं। बताइए कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे अमेजन बेसिन है, साउथ अमेरिका। कौन सा क्रॉप्स ग्रो करते हैं अमेजन बेसिन में, और अमेजन बेसिन के लोग, टपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, कॉफी, मेज, कोकोवा, है ना, ऑलरेडी पढ़े हैं हम लोग। कौन सा बर्ड्स है जो ज्यादातर रेन फॉरेस्ट अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, हमिंग बर्ड और टाउकन्स। उसके बाद जो कौन सा मेजर सिटी है जो रिवर गंगा के नजदीक में है, लोकेटेड है, अलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, है ना। उसके बाद हुगली, वेयर इज द वन हॉर्न राइनोसेरस फाउंड, एक सिंह वाला गैंडा कहाँ पाए जाते हैं, ब्रह्मपुत्र प्लेन में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, है ना। नेक्स्ट टिक करिए, टाउकन्स जो है एक क्या है, टाउकन्स क्या है, बर्ड है। मैन्योक क्या है, स्टेपल फूड है, कहाँ का मैन्योक अभी पढ़े हम लोग, कहाँ का है, अमेजोन का है। कोलकाता जो है किस रिवर पर है, हुगली, जहां पर जूट ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे पेरेनियल, हुगली रिवर जो है पेरेनियल है, परमानेंट है, कभी सूखता नहीं है, क्योंकि उसको ब्यो गंगा से भी मिल जाता है, उधर से गंगा फिर से भी मिल जाता है, है ना। देवदास और फेयर्स जो है किस टाइप का ट्रीज है, कॉनिफेरस है। बंगाल टाइगर जो है कहाँ पाया जाता है, डेल्टा वाले एरिया में, सुंदरबन डेल्टा में, रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। नेक्स्ट बताइए पिराना क्या है, बताया है आपको, मूवी देखिएगा पिराना, आदमी खाने वाला फिश है। सिल्क वर्म क्या है, सिल्क वर्म का ग्रो करने से सेरिकल्चर होता है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। फिर आपका कॉटन टेक्सटाइल जो है, कॉटन टेक्सटाइल जो है कहाँ आएगा, मैलोका जो है कहाँ आएगा बताइए, कॉटन टेक्सटाइल स्लैंटिंग रूफ, मैलोका आएगा स्लैंटिंग रूफ, है ना। मैलोका से ही स्लैंटिंग रूफ बना था ना, जिसको मैलोका बोलते थे, ध्यान है। और कॉटन टेक्सटाइल कहाँ होगा, गंगा प्लेन, नहीं गंगा प्लेन से ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल जो है आपका वाराणसी में तो नहीं होगा, टेरेस फार्मिंग से कर सकते हैं, है ना, जो टेरेस फार्मिंग ज्यादा सुटेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब रिजेंस बताइए, रेन फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहा है दिन पर दिन, क्यों रेन फॉरेस्ट क्यों डिप्लीट हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि बायोडायवर्सिटी रेन फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग करके आप मार देते, है ना। डेवलपमेंट हो रहा है तो आप पूरा क्लियर करेंगे तो वहां का एनिमल्स खुला हो जाएगा, मार के खाइएगा भी आप लोग, है ना, आप लोग सब लोग, हम नहीं, हम भी उसमें आते हैं। पैडी ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में पैडी धान क्यों उगता है, क्यों, क्योंकि इसको सफिशियंट पानी चाहिए और ये रीजन ये पानी फुलफिल कर देता है उसको, है ना। नेक्स्ट तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। ओके थैंक यू।